Welcome to Milestone Online Study. I'm Professor Lav Singh and we're going to give you a best IELTS reading series, especially in Punjabi. So, bachche, assi jive tuhanu dassiya, main 500 plus readings assi is channel de utte jehdi hai upload kar rahe hange. Ede naal naal ik feature assi hor tuhanu jehda hai add kar rahe haan raje bachyan de benefit de layi, hai na. Oh ki hai ga ke tusi kise nu vi koi bachche nu koi IELTS de vich, PT de vich ja visa de regarding koi problem aa rahi hai ta sanu ditte jehda scroll kar rahe na number utte WhatsApp kar sakde ho. Secondly, tusi sanu Saturday nu matlab dopahar 2 baje to leke 5 baje tak call vi kar sakde ho ise number de upar. किसी भी बच्चे कोई दिक्कत आ रही है, कोई बैंड स्कोर करके स्टक हो पाया, स्पेशली रीडिंग बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि अभी 5 से स्टक हो गए, 5.5 से स्टक हो गए किसी भी मॉड्यूल के, है ना. असी रियली हेल्प करांगे रजे ताड़ी, है ना. सो एंजॉय योर रीडिंग. थैंक यू सो मच. हैलो एवरीवन, वेलकम टू माइलस्टोन ऑनलाइन स्टडी. तो अज असी करन जा रहे हैं आयल्स अकैडमिक रीडिंग का एक पैसेज जिहदा नेम है एम्बरगिस. सोन इन डिसऑनर रेज्ड इन ग्लोरी, वट इज़ इट एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम. तो हुण आपां इहदे एक बार क्वेश्चन के टाइप्स देख लैने भी कि टाइप ने क्वेश्चन के. तो फस्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन एज रैफरिंग टू, मतलब आप क्लासीफाई नंबरस लैटर्स अलॉट करने हैं नंबरस नू. सैकेंड टाइप हैगी जी तीन फिलप्स ने, तो लास्ट फोर है ट्रू फॉल्स ते नॉट गिवन. तो आप एक बार जो ओवरऑल गल करिए पैसेज की, यह पैसेज है कि बारे एम्बरगिस एक मटीरियल है. यह पैसेज के सारी सिग्निफिकेंस दसी हुई है भी वह कितने पाया जाता, कितों आता है, कि यदिया एप्लीकेशनस ने, की यूजेस ने, की इंपॉर्टेंस है यदि. तो हूँ आप स्टार्ट करते हैं फस्ट क्वेश्चन तो. फस्ट क्वेश्चन हैगा क्लासीफाई द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन एज रैफरिंग टू ए एम्बरगिस ओनली, बी एम्बर ओनली, सी बोथ एम्बरगिस एंड एम्बर, डी नाइदर एम्बरगिस नॉर एम्बर. राइट द करैक्ट लैटर ए बी सी और डी इन बॉक्सिस 1 to 6 ऑन योर आंसर शीट. तो हूँ जिमें फस्ट फीचर दिता होया बीइंग एक्सपेंसिव, तो आप दसने भी एक्सपेंसिव कल्ली एम्बरगिस सी, कल्ला एम्बर सी, दोनों सी, या दोनों चो कोई भी नहीं सी. तो हूँ देखो जी यदा आंसर कितों लगू, यदा आंसर आएगा, यदा आंसर आएगा बोथ एम्बरगिस एंड एम्बर. हूँ यदि लोकेशन आप देखते हैं कितों आऊ है, यदा आंसर आएगा जी थर्ड पैराग्राफ चो, थर्ड पैराग्राफ की सैकेंड लाइन है जी बोथ ऑफ दैम. बोथ ऑफ दैम वर अमंग द मोस्ट सॉट आफ्टर सबस्टांसिज इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट एज वैल्यूएबल एज गोल्ड. बोथ ऑफ दैम किनू रैफर कर रहे थे, एम्बरगिस ते एम्बर, मतलब दोनों ही सी ओ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सबस्टांसिज सी वर्ल्ड दे विच, ते गोल्ड दे जिन्ना ही वैल्यू करते सी लोगों नू, मतलब गोल्ड दे जिन्ने ही वैल्यूएबल सी दोनों एम्बरगिस ते एम्बर. ठीक है जी, तो यह आंसर अपना लग गया सी, सी ऑप्शन. सैकेंड फीचर हैगा एड्स फ्लेवर टू फूड, यदा आंसर हैगा जी एम्बरगिस ओनली. हूँ आप देखते हैं कितों लग्या, ये लगेगा जी फस्ट पैराग्राफ चो, फस्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो. फॉर सेंचुरीज दिस सबस्टांस हैज़ ऑलसो बीन यूज एज अ फ्लेवरिंग फॉर फूड, मतलब आपां नूं क्वेश्चन पूछा गया सी ना वी फूड की फ्लेवर की तरह फूड के विच की ऐड हुंदा है, तो यदा आंसर आएगा ए ऑप्शन ओनली एम्बरगिस. तो हूँ आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भी की है. थर्ड फीचर हैगा यूज एज करंसी. हूँ आप जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है ना, तो उत्थे आपां नूं पता लगू भी करंसी की तरह दोनों चो कोई भी नहीं यूज हो हुंदा, क्योंकि करंसी की कितने गल नहीं हुई भी एम्बरगिस करंसी की तरह यूज हुंदा या एम्बर यूज हुंदा. तो यदा आंसर आ जूगा नाइदर एम्बरगिस नॉर एम्बर, डी ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जूगा डी आंसर. फोर्थ फीचर देखते हैं आप बीइंग सी थ्रू. बीइंग सी थ्रू का मतलब होंगे जिदे आर पार देखा जा सके, मतलब एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी जो वे आर पार देखा जा सकेगा, तो उन्होंने आप कहने बीइंग सी थ्रू. तो बीइंग सी थ्रू की आऊगा, यदा आंसर आएगा बी ऑप्शन. हुण इहदी आपां लोकेशन देखते हैं भी पैसेज दे विच कित्थों आया बी ऑप्शन, तो बी ही क्यों आया बाकी क्यों नहीं आए. इहदा आंसर है जी थर्ड दे विच, थर्ड पैराग्राफ दे विच लास्ट सैकेंड लाइन देखो ऑलदो तो शुरू होंदी है जिहड़ी. ऑलदो कंसीडर्ड अ जैम एम्बर इज़ हार्ड ट्रांसपेरेंट होली ऑर्गेनिक मटीरियल डिराइव फ्रॉम द रेजिन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ ट्रीज मेनली पाइन्स. उत्थे आपां नूं लिखता ना वी एम्बर इज़ अ हार्ड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब उही हुंदा जिहदे आर पार देखा जा सके, या बीइंग सी थ्रू मतलब जिहड़ा सी थ्रू हो सके. तो यह आंसर कला एम्बर आऊगा, लिखा भी होया क्योंकि एम्बर इज़ अ हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट की है कला एम्बर ही है, तो करके आंसर अपना आजूगा बी ऑप्शन का फोर्थ क्वेश्चन का बीइंग सी थ्रू का. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हूँ आप रैफर टू बाय हरमन मेलविल.
ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਏ ਐਂਬਰਗਿਸ ਓਨਲੀ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਮਿਡਲ ਏਜਿਸ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਯੂਜ਼ਡ ਐਂਬਰਗਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਮਡੀ ਫਾਰ ਹੈਡਿਕਸ, ਕੋਲਡਸ, ਐਲਪਸੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਲਮੈਂਟਸ। ਇਨ ਦ 1851 ਵੇਲਿੰਗ ਨੋਵਲ ਮੋਬੀ ਡਿਕ ਹਰਮਨ ਮੈਲਵਿਲੇ ਕਲੇਮਡ ਦੈਟ ਐਂਬਰਗਿਸ ਵਾਜ ਲਾਰਜਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪਰਫਿਊਮਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ ਰੈਫਰ ਟੂ ਬਾਏ ਹਰਮਨ ਮੈਲਵਿਲ, ਮਤਲਬ ਹਰਮਨ ਮੈਲਵਿਲ ਨੇ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੀ ਹਰਮਨ ਮੈਲਵਿਲ ਨੇ ਐਂਬਰਗਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਿਊਮਰੀ 'ਚ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਐਂਬਰਗਿਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਫਿਫਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਏ ਐਂਬਰਗਿਸ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਸਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਸਵੀਟ ਸਮੈਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੀਟ ਸਮੈਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਐਂਬਰਗਿਸ ਵਾਜ ਯੂਜ ਟੂ ਪਰਫਿਊਮ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਅਰਥ ਹੈਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਸ਼ ਵਿਦ ਐਂਬਰਗਿਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਰਗਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਵੀਟ ਸਮੈਲ, ਮਤਲਬ ਸਵੀਟ ਸਮੈਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਐਂਬਰਗਿਸ ਓਨਲੀ। ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਟਾਈਪ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਿਲੋ ਵਿਦ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਪੈਸੇਜ, ਰਾਈਟ ਯੋਰ ਆਂਸਰਸ ਇਨ ਬਾਕਸਿਸ 7 to 9 ਔਨ ਯੋਰ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਲਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੈਵਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਕਾਂਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਸਕੁਇਡਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀਵਰਡ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਲਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਉੱਥੋਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਨੀਚੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਆਂਸਰ, ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਨੀਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੈਵਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਕਾਂਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਸਕੁਇਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਫਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਜ਼ ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਆਰ ਰੈਦਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਸਕੁਇਡ। ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਆਰ ਰੈਦਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਸਕੁਇਡ ਬਟ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦ ਹਾਰਡ ਸ਼ਾਰਪ ਪੈਰਟ ਲਾਈਕ ਬੀਕਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਸਕੁਇਡ ਨੂੰ, ਬਟ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦ ਹਾਰਡ ਸ਼ਾਰਪ ਪੈਰਟ ਲਾਈਕ ਬੀਕਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਸੇਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਕਾਂਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਸਕੁਇਡਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਬੀਕਸ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਕਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਕਸ ਆਜੂਗਾ ਆਂਸਰ, ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਕਾਂਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦ ਬੀਕਸ ਆਫ ਦ ਸਕੁਇਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਏਟਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਡਰਾਈਵ ਦ ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਇੰਟਸਟਾਈਨਸ ਬਾਏ ਡੈਸ਼। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਵੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਣ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਸਟਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇੰਟਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਪ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਫਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਫਿਫਥ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਫਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਥੋਟ ਦੇਅਰ ਸਟਮਕ ਜੂਸ। ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਟਮਕ ਜੂਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਕਮ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦ ਇਰੀਟੈਂਟਸ। ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਥੋਟ ਦੇਅਰ ਸਟਮਕ ਜੂਸ ਬਿਕਮ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਅਰ ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹਾਰਡ ਰੈਲਸਨਸ ਲੰਪਸ ਆਰ ਫੋਰਮਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬੀਕਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਲਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਇਨਾਰਡਸ ਬਾਏ ਵੋਮਿਟਿੰਗ। ਐਕਸਪੈਲਡ
मतलब बाहर कढ़ना रिमूव करना है ना, जिहड़े उन्हां दे इरीटेंट्स ने वो कादे राही रिमूव करदे इनार्ट्स मतलब इंटेस्टाइन ही हो गया एक तरह का, इंटेस्टाइन तो एक्सपैल करदे कादे राही बाय वॉमिटिंग। तो आपां नूं सारे कीवर्ड्स मिल गए सी, कल्ला वॉमिटिंग रह गया सी, तां उत्थे अपना आंसर की आ जूगा वॉमिटिंग। एट्थ क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देख लो, आंसर फिल करके सेंस भी बनूगी। स्पर्म वेल्स ड्राइव द इरीटेंट्स आउट ऑफ देयर इंटेस्टाइन बाय वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग करके वो अपने इंटेस्टाइन तो जिहड़े इरीटेंट्स ने उन्होंने बाहर ड्राइव आउट कर देंगे, ठीक है जी, मतलब रिमूव कर देंगे। ड्राइव आउट का मतलब उत्थे दिता होया सी अपन नूं एक्सपैल, ठीक है जी, ये भी लग गया अपना। हुण अपन नाइन्थ फिलअप देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन की कह रहा अपन। नाइन्थ हैगा जी, द वॉमिट ऑफ स्पर्म वेल ग्रेजुअली डैश ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर बिफोर हैविंग प्लेजेंट स्मैल, ठीक है जी। हुण आपां इहदा आंसर देखते हैं कितों आऊगा, इहदा आंसर भी आऊगा जी सेम पैराग्राफ दे विच ही, मतलब जिहड़ा फिफ्थ पैराग्राफ आपां पढ़िया सी जिथों बाकी दो फिलअप्स लगियां ने उत्थों ही ये नाइन्थ वाली फिलअप लगेगी। नाइन्थ वाली फिलअप कितों लगेगी, लास्ट थर्ड लाइन तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर फ्लोटिंग, ठीक है जी, लास्ट थर्ड लाइन फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। बट आफ्टर फ्लोटिंग ऑन द सॉल्टी ओशन फॉर अबाउट अ डिकेड द सब्सटेंस हार्डन्स विद एयर एंड सन इनटू अ स्मूथ वैक्सी यूजुअली राउंडेड पीस ऑफ नॉस्ट्रिल हेवन, मतलब आफ्टर फ्लोटिंग मतलब सॉल्टी ओशन दे विच 10 सालों तक फ्लोट करन तो बाद जिहड़ा ये सब्सटेंस है वो हार्डन हो जाता है एयर दे कॉन्टैक्ट नाल आउण, ठीक है जी। तो ये मतलब लाइन है जिहड़ी इहदा मतलब ये है। तो हुण आपां फिलअप पढ़ते हैं, फिलअप की कह रही है, द वॉमिट ऑफ द स्पर्म वेल ग्रेजुअली डैश ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर बिफोर हैविंग प्लेजेंट स्मैल। ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर आ गया ना इतने, तो अपन उत्थे भी यही सेम कीवर्ड मिल गया सी एयर, तो मतलब एयर के कॉन्टैक्ट विच ऑन नाल जिहड़ी स्पर्म वेल की वॉमिट होंदी है वो की हो जाती है, आपां पढ़िया सी ना हार्डन हो जाती है, तो इहदा आंसर आजूगा हार्डनस। द वॉमिट ऑफ स्पर्म वेल ग्रेजुअली हार्डनस ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर बिफोर हैविंग प्लेजेंट स्मैल। आप एक बार पैराग्राफ से दोबारा चल वड़ते हैं, लास्ट थर्ड लाइन दोबारा देखो, बट आफ्टर फ्लोटिंग ऑन द सॉल्टी ओशन फॉर अबाउट अ डेकेड द सबस्टांस हार्डनस विद एयर, मतलब सबस्टांस हार्डन हो जाता है एयर दे नाल ऑन, एयर दे नाल कॉन्टैक्ट विच ऑन। तो फिलअप भी अपन सेम कह रही है भी जी वॉमिट है स्पर्म वेल की वह ग्रेजुअली हार्डन हो जाती है ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, ठीक है जी। तो अपने तीनों फिलअप्स भी हो गए। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन टाइप वल चलते हैं, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, ठीक है जी। हुण आपां इहदा पहला क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ क्वेश्चन है, मोस्ट एम्बरगिस कम्स फ्रॉम द डेड वेल्स टूडे। हुण इहदा आंसर आपां देखते हैं की आऊगा, ये आंसर आऊगा कितों, पहला इहदी लोकेशन देख लैंदे आपां, ये आंसर आऊगा जी सैकेंड पैराग्राफ विचों, सैकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, बाई 20th सेंचुरी है जिथे उतों आऊगा ये। बाई 20th सेंचुरी एम्बरगिस वॉज मेनली रिकवर्ड फ्रॉम इनसाइड द करकैसेज ऑफ स्पर्म वेल्स, मतलब स्पर्म वेल्स की करकैसेज है जी, सिर्फ उतों ही एम्बरगिस रिकवर्ड हों 20th सेंचुरी तक, ठीक है जी। हुण अपना क्वेश्चन की कह रहा है, अपन क्वेश्चन कह रहे हैं मोस्ट एम्बरगिस कम्स फ्रॉम द डैड वेल्स टूडे। क्वेश्चन कह रहा है भी जोड़ा एम्बरगिस सगा डैड वेल्स करकैसेज, मतलब सेम ही हो गया ना, करकैसेज भी उही होंगे डैड रिमेन्स भी उही होंगे, तो क्वेश्चन भी अपन सेम कह रहा है भी जोड़े एम्बरगिस है वो जोड़े डैड वेल्स ने उन्हों तो डिराइव हों, तो अपन पैराग्राफ भी सेम वर्डिंग दिती हुई सी भी 20th सेंचुरी तो एम्बरगिस है जिहड़ा वो कितों रिकवर हुंदा है, इनसाइड द करकैसेज ऑफ स्पर्म वेल्स, मतलब स्पर्म वेल्स की करकैसेज डेड रिमेन्स तो ही रिकवर हुंदा है, तो इहदा आंसर आजूगा अपना ट्रू, ठीक है जी। हुण आपां 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन की है, एम्बरगिस इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव दैन बिफोर। हुण आपां इहदा देखते हैं कित्थे की ऑप्शन आऊगा, वैसे जे आपां पढ़िया हो पैसेज है ना, तो आपां नूं पता लग गया होगा हुण तक भी इहदा आंसर है जिहड़ा वो नॉट गिवन आऊगा। नॉट गिवन क्यों आऊगा मैं दसदा तुहानू, क्योंकि पैराग्राफ दे विच गल हुई है भी जिहड़ी एम्बरगिस ते एम्बरसी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सी, वैल्यूएबल है, ठीक है। तो आपां क्वेश्चन कह रहा है भी जिहड़ा एम्बरगिस सीगा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा हुण पहलां नालों, पर आपां पैसेज दे विच किते भी गल नहीं कही गई भी जिहड़ा एम्बरगिस है हुण एक्सपेंसिव है, पहलां एक्सपेंसिव सी हुण सस्ता है या पहलां सस्ता है, तो इहदा इहदे बारे आपां कोई इनफॉर्मेशन नहीं दित्ती हुई पैसेज दे विच, तां करके इहदा आंसर आजूगा अपना नॉट गिवन, ठीक है जी। हुण आपां 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन की है, एम्बरगिस इज स्टिल अ पॉपुलर इंग्रीडियंट इन परफ्यूम प्रोडक्शन
टुडे। मतलब जेटा एम्बरगिस है वह हजे भी एक पॉपुलर इंग्रेडिएंट है कादे विच परफ्यूम प्रोडक्शन दे विच। तां इह पढ़दे आपां इहदा आंसर कित्थों आएगा। हाँ जी इहदा आंसर आएगा जी अपना बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ दे विच। लास्ट पैराग्राफ की सैकेंड लाइन पढ़ते हैं आप। सैकेंड लाइन तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बट नाउअडेज, ठीक है जी, बट नाउअडेज सिंस एम्बरगिस इज रेयर एंड एक्सपेंसिव एंड बिग फ्रैगरेंस सप्लायर्स दैट मेक मोस्ट ऑफ द फ्रैगरेंसेज ऑन द मार्केट टूडे डू नॉट डील इन इट फॉर रीजन्स ऑफ कॉस्ट अवेलेबिलिटी एंड मर्की लीगल इशूज। मोस्ट परफ्यूम्स परफ्यूमरीज प्रेफर टू एड केमिकल डेरीवेटिव विच मिमिक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एम्बरगिस। क्वेश्चन आपां नूं की कह रहा सी वी जिहड़ा एम्बरगिस है वह हजे भी परफ्यूम प्रोडक्शन दे विच यूज़ हुंदा है। मतलब नाउ ऑलसो टूडे अज के दिनों भी यूज़ हुंदा है। पर हुण जिहड़ी आपां लाइन पढ़ी वह कह रही है वी कुछ क रीज़ना करके जिवें कॉस्ट करके उहदी अवेलेबिलिटी करके मर्की लीगल इशूज़ करके जिहड़ी परफ्यूमरीज ने वह फ्रैगरेंस सप्लायर्स ने वह मतलब एम्बरगिस नूं यूज़ नहीं करता बिकॉज एम्बरगिस है जिहड़ा वह रेयर हुंदा है ते एक्सपेंसिव है। ते उहदी जगह एम्बरगिस की जगह वो एक कैमिकल डेरीवेटिव यूज़ करते हैं जिहड़ा कि एम्बरगिस दीयां प्रॉपर्टीज़ नूं मिमिक करता है। ठीक है जी, तो आपां नूं पता लग गया है वी वह एम्बरगिस नहीं यूज़ करते सी क्योंकि वह रेयर सी ते एक्सपेंसिव सी ते वह कोई होर कैमिकल डेरीवेटिव यूज़ करते सी जिहदीआं प्रॉपर्टीज़ एम्बरगिस नाल मैच करदीआं सी पर वह एम्बरगिस नहीं यूज़ करते सी। तो इहदा आंसर अपना की आजूगा जी, इहदा आंसर आजूगा अपना फॉल्स। ठीक है जी, हुण आपां थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना भी थर्ड क्वेश्चन की कह रहा है। न्यू यूजेस ऑफ एम्बरगिस हैव बिन डिस्कवर्ड रीसेंटली। मतलब कि है क्वेश्चन का भी जेडे एम्बरगिस के नवे यूजेस ने भी किवें किवें यूज़ किया जा सकता एम्बरगिस नूं वो हुण ही रीसेंटली ही डिस्कवर्ड होए ने। ठीक है जी, रीसेंटली ही डिस्कवर्ड होए ने। तो आप जो पूरा पैराग्राफ है ना पढ़ लेंगे तो आपां पता कितने नहीं दसा गया होना भी जेडे वो न्यू यूजेस ने वो डिस्कवर होए है कि नहीं होए, न्यू यूजेस होए है कि नहीं होए, रीसेंटली होए है या नहीं होए। मतलब ऑल ओवर एदी कोई इनफॉर्मेशन पैसेज दे विच गिवन नहीं हैगी वी न्यू यूजेस ऑफ एम्बरगिस डिस्कवर होया रीसेंटली। तो इहदा आंसर जी आजूगा अपना नॉट गिवन। ठीक है जी, समझ आ गया आपां नूं सारा कुछ। तां क्वेश्चन इहदे आसान सीगे, ओवरऑल पैसेज ईजी टू मॉडरेट सीगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं सी इहदे विच। थोड़े बहुत सिनोनियम्स आपां नूं पता हुंदे तां अपना आराम नाल इहदे चों 13 चों 13 नहीं तां 12 तां अपने गरंटिड आ ही जांदे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।